ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए थे। इनका नाम अजय कुमार है। वो एक निजी स्कूल में संगीत के शिक्षक थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। बेरोजगार होने के बाद उन्होंने खेती शुरू की और पहले सब्जियां उगाना शुरू की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और सब्जियों की खेती बर्बाद हो गई। अजय ने हौसला बनाए रखा और लीज पर जमीन लेकर यहाँ फूलों की खेती शुरू कर दी और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। ऐसे तो कई किसान फूलों की खेती करते हैं, लेकिन अजय ने नई तकनीक का सहारा लिया और रात में LED बल्ब जलाकर खेती करनी शुरू की। ऐसा माना जाता है कि झारखंड के वो पहले किसान हैं जो रात में LED बल्ब की सहायता से खेती करते हैं। अजय बताते हैं कि फूलों की खेती करने के दौरान पौधे देने वालों ने उन्हें बताया था कि बल्ब की रोशनी फूलों पर पड़नी चाहिए, ऐसे में पौधे जल्दी तैयार होंगे। उन्होंने वैसा ही किया। ऐसे में समय से पहले पौधे तैयार हो गए और पूरा खेत फूलों से खिल उठा। बल्ब लगाने से उसे दूसरा फायदा ये हुआ कि उसके खेत में जंगली जानवरों की आवाजाही एकदम बंद हो गई। तीसरा लाभ ये हुआ कि बल्ब की रोशनी में वो अपने बच्चों को खेत में ही पढ़ाने भी लगे थे। अजय ने ये पौधे 18 दिसंबर को उगाए थे। अब वो उन पौधों से फूल बेच रहे हैं। उन्होंने फूलों की खेती से 10,000 रुपये की पूंजी लगाई थी और अब बेहतर नतीजा आया है। अजय का कहना है कि हजारीबाग में फूलों का बाज़ार बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी उनकी कमाई हो जा रही है। लोग उनके पास फूल खरीदने के लिए पहुंचते हैं, जयमाला बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं। अब तक लगभग 80 शादी समारोह में उन्होंने जयमाला तैयार की है और वहाँ कई सारे तरह तरह के फूल भी पहुँचाए हैं। इतना ही नहीं, गेंदे का फूल खेत में तैयार हो चुका है। स्थानीय फूल दुकानदार समेत हजारीबाग के खरीदार भी उनके पास पहुंच रहे हैं। अजय बताते हैं कि सब्जी की खेती कई लोग करते हैं, लेकिन फूलों की खेती कुछ लिमिटेड लोग ही करते हैं और बंजर जमीन पर फूलों का श्रृंगार हमने कर दिखाया है। इस बंजर भूमि पर कभी कटीली झाड़ियाँ हुआ करती थी, आज वहाँ खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। ये उनकी मेहनत का सुखद लाभ है। अजय ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुंभ योजना का भी लाभ लिया है। इससे खेत में महज 5,000 रुपये में सोलर पैनल लग गया और अब वो लगातार खेती कर सकते हैं। रात में बल्ब जलाने के लिए उन्होंने झारखंड बिजली परियोजना से कनेक्शन लिया, जिससे उन्होंने खेत को रात में जगमगा दिया। अब सुनिए कि इस पूरे मामले पर अजय का खुद क्या कहना है। क्या कर रहे हो यहाँ पर पूरी बात? अभी हम यहाँ खेती चालू किए हैं 3 साल से, जो अभी काफ़ी प्रोग्रेस में है। अभी इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद अभी समझ में आ रहा है कि फूल का खेती में कुछ मुनाफा भी है और हम इसको लगातार कर रहे हैं 3 साल से। और अभी गुलदाउदी लगाए हैं, इसको बंगाल में इसे गुलदाउदी बोलते हैं और इस वैरायटी को बाहर की महाराष्ट्र तरफ इसे सेवंती बोलते हैं, मतलब अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग नाम है। इसको मैंने प्रैक्टिस के लिए 1600 पौधे मंगाए और इसके हम आगे बढ़ाने के लिए अभी प्रैक्टिस का काम चल रहा है। इसमें और भी फूल लगे हैं, ग्लेडुलस लगे हैं और कामनी पत्ता लगा है, उधर गेंदा लगा है, अभी 3-4 फूल लगे हुए हैं ऐसे में। आम तौर पर लोग सब्जी खेती करता है, तुम फूल खेती क्या कर रहे हो? तो देखिए, सब्जी लोग खेती करता है तो उसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे प्रॉब्लम तो इसमें भी आता है, लेकिन कुछ यूनिक होना चाहिए। अगर हम नया जनरेशन का किसान हैं, अगर नया किसान है तो हमको नया काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने फूल का खेती चालू किया है। इसमें देखिए रिस्पांस पहले तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब रिस्पांस आने लगा है, इसलिए मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया है। अच्छा, तुम लोग कौन कौन सा योजना का लाभ मिला है तुम्हें? अभी तक सरकारी योजना में से मुझे मनरेगा से कुआं मिला है, उसके बाद मुझे बिजली मिली है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से, कृषि विभाग से कृषि विभाग ने मुझे लैंड दी है, और उसके बाद केंद्र सरकार की जो योजना थी सोलर प्रधानमंत्री कुसुम योजना, उसके तहत मुझे सोलर प्लेट मिली है। कितना खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ सरकार से कि जो मुझे इतना कुछ मदद किया है। हमारी इस बंजर भूमि पर पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर मतलब एक भूत बसने जैसा ये ज़मीन था और यहाँ पूरा झाड़ी था। इस शायद मेरे भाग में लिखा हुआ था कि इस बंजर भूमि को श्रृंगार करना है, वही करते हुए समझ कर हम यहाँ पर अपना काम चालू कर रहे हैं, किए हैं और कर रहे हैं। और बस एक ही ख्वाहिश है हमसे कि सरकार ने मुझे एक पोली हाउस दे दे, एक ग्रीन हाउस दे दे, तो मैं गारंटी देता हूँ अपने भी कमाऊंगा और यहाँ से 150 लोगों को रोज़गार भी दूंगा। एक बार मैंने कहा, मेरा शुरू का स्टोरी यही रहा है कि पहले तो हम शिक्षक थे, अभी भी हैं, और जब परेशानी जब आई थी 2019 लॉकडाउन में, उसी समय से हमारे इस सेक्टर में दिमाग क्रिएट हुआ,
इसलिए हम इस सेक्टर में आ गए हैं और मन लग गया तो अब अच्छा चल रहा है। अब आज़ादी का जीवन है, सब कुछ ठीक चल रहा है। स्कूल में वैसे तो बहुत किसी के अंदर में रहना पड़ता है, 4 को बात सुनना पड़ता है, 14 को काम है, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, 17 को काम सुनो, उसके बाद सही टाइम पर पेमेंट नहीं हुआ, ये भी माथामारी है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फूल काटिए, अपना आज़ादी से काम कीजिए, दिन हो रात हो सुबह हो कौन टाइम हो रहा है ये कुछ नहीं पता, कभी भी काम कीजिए मन से, मन लगा के और फूल तोड़िए। ऑर्डर आया, आधा तो माल हमारा यही से चला जाता है, पैसा पॉकेट में भर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि हमको किसी से खुशामद करना है कि पैसा दो ये दो वो दो, कुछ नहीं यहाँ पर है, सब पार्टी यहीं पर आता है, पैसा कैश देता है और यहीं से माल चला जाता है मेरा। और आपके खेत में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा बल्ब लगा हुआ है, LED लाइट, ये क्यों लगा हुआ है? हाँ, ये तकनीक का कमाल है, इस फूल का जो एक्सपर्ट किसान है ये इसका तकनीकी कहता है कि जब तक आप LED बल्ब नहीं लगाइएगा रात में तब तक ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, तो इसी हिसाब से ये पौधा लगा हुआ है। पौधा लगाने के 15 दिन के बाद LED बल्ब लगाया जाता है पौधा को ग्रोथ करने के लिए, ये प्रक्रिया आपका 55 दिन तक चलता है। अगर उसमें भी एक नियम है कि अगर पौधा अगर ग्रोथ कर गया है, इसमें कली आने लगा है, तो बल्ब को ऑफ रखना है। अब जैसे कि हमारा फूल खिलने लगा है, अब कल से इसमें बल्ब का काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और जानवर से क्या बचाओ भैया? हाँ, दूसरे फायदा तो इसमें ये भी है कि पहले हमारा खेत में डायरेक्ट सुअर आ जाते थे, नीलगाय आ जाता था, इससे हमारा काफ़ी रिजल्ट मिला है। इसमें जितना हमारा ये पौधा से जो बेनिफिट नहीं है, उससे ज़्यादा बेनिफिट हमको बाहर से है, जो अब जानवर अब आते नहीं हैं यहाँ पर रात में, किसी तरह का नुकसान नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। बस